अब यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको बिना आधार बिना पैन यानी नो केवाईसी आपको लोन मिलेगा। 5,000 से लेकर 7,500 तक का आप लोन ले सकते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, मैं कोई भी डिटेल्स फिलअप नहीं करूंगा, यहाँ पे सीधे अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब आप स्क्रीन पे खुद चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ना कुछ आधार मांगा ना पैन मांगा, सीधे डायरेक्टली बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो बिना आधार बिना पैन के ऐसे आपको लोन मिलेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यू लोन ऐप के बारे में जहां से आप बिना आधार बिना पैन के, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिना आधार बिना पैन के आप जो है 60,000 तक का लोन ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं एकदम न्यू ऐप की बात कर रहा हूं, 3.7 की रेटिंग है, 1,000 डाउनलोड्स हैं और यहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। सबसे बड़ी बात यह, जीरो सिविल पे जीरो ब्याज पे बिना केवाईसी के, कोई आधार नहीं कोई पैन नहीं और कोई आपको इनकम प्रूफ भी नहीं देना है। दोस्तों यहां पे एक स्क्रीन शॉट आप और चेक कर सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर को यहां पे 6,000 का लोन मिला भी है और आप ब्याज भी दे सकते हैं कि 0.4% का मतलब पर डे का ब्याज लग रहा है, ये दिखा रहा है लेकिन इतना लगा भी नहीं है और यहां पे जो करीब 3 महीने के लिए इनको ये लोन मिला है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी यार ऐसी कौन सी ऐप है यार कि जो बिना आधार बिना पैन के नो केवाईसी पे 60,000 का लोन दे सकती है। इसी के बारे में आज मैं आपको फुल टू डिटेल से जानकारी दूंगा। ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है, सारे काम है लेकिन फिर भी मैं यहां पे एक बार रिव्यू कर रहा हूं। देखिए ऐप का जब तक रिव्यू नहीं करते तब तक हमें उसकी असलियत नहीं मालूम पड़ती है कि रियल है कि वो फेक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही यहां पे लोन के लिए अप्लाई करिएगा। क्या पता क्या निकल गया, मुझे खुद नहीं पता रियल है फेक है, आप ही के सामने एकदम मैं लाइव रिव्यू कर रहा हूं। और अभी हाल ही में 18 अप्रैल को ये लॉन्च हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1,000 डाउनलोड मात्र हुए, कल तक 500 थे और आज इसके 1,000 हो चुके हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रियल है फेक है, लोन लेना है नहीं लेना, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। तो हमेशा की तरह पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, स्क्रीन पर @vinaylv0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसे भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और बताता हूं ये कौन सी ऐप है जो आपको बिना आधार बिना पैन के नो केवाईसी पे लोन प्रोवाइड कर देगी 60,000 का। तो यहां देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि मैं बात कर रहा हूं मनी मिंगल क्रेडिट कैश लोन, ये न्यू ऐप निकल के आई है। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए 1K यानी 1,000 डाउनलोड्स हैं और यहां पे आप देख सकते हैं 3.7 की रेटिंग है। चलिए ठीक है अब हम अबाउट दिस ऐप में आएंगे। देखिए यहां पे अगर इसकी एनबीएफसी की बात कर लें तो कोई इसकी जो एनबीएफसी निकल के आ रही है जो टेस्टेड लोन प्रोवाइडर है वैशाली सिक्योरिटीज लिमिटेड है, उसका सीआई नंबर भी दिया हुआ है और रजिस्टर्ड नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है जो रजिस्टर्ड कंपनी थी उसका एक नंबर होता है वो दिया हुआ है और ये गुजरात की कंपनी है उसकी वेबसाइट भी दे रखी है जो एनबीएफसी है। तो कहने का मतलब है देखने में तो एकदम जेन्युइन है भाई, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी का यहाँ पे सही नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए हमें 5,000 से लेकर 60,000 तक का आपको लोन मिल जाएगा। टर्नर टाइम की बात करें मिनिमम 92 डेज और मैक्सिमम 1 साल तक का आपको यहाँ पे टर्नर टाइम देखने को मिल जाता है। एपीआर की बात करें मैक्सिमम 22% है और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैन आधार सेल्फी, बिल्कुल ठीक है, आधार भी देना है पैन भी देना है और सेल्फी भी देनी है। लेकिन मैंने आपको नो केवाईसी बोला, नो केवाईसी में लोन मिलेगा कैसे मैं यही आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड और सेल्फी ही लगानी है और 18 साल से कम की एज नहीं चाहिए, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में दिया हुआ, ये रिक्वायर्ड है। एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए अगर आप 50,000 का लोन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 0.05% पर डे के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा, टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 9,000 का, तो लगभग 59,000 रुपए आपको टोटल रिपेमेंट करना है, 9,000 की टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिए लेकिन यहाँ पे जब ऐप को ओपन किया देखा तो यहाँ पे कुछ अलग ही सीन था यार, बाकी में यहाँ पे कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देना पड़ रहा है और बहुत ही कम ब्याज पे लोन मिल रहा है, ये तो उन्होंने एक अपडेट दे दिया है, आगे चल के ये हो सकता है। ठीक है अब नॉर्मली यहाँ पे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी, आधार दो पैन दो ये सब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें दे रखी है, रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी भी दे रखी है और यहाँ पे देखिए एड्रेस यहाँ पे देखिए सुंदरपुर चंकंडा करके दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मनी विंगल की यहाँ पे जो एनबीएफसी वो वैशाली करके, चलिए एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं और ये चेक करते हैं कि वैशाली वाली जो एनबीएफसी उसकी वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई देख एकदम सही है, मैं ऑलरेडी चेक कर रहा हूँ और ये अभी भी चेक कर रहा हूँ कि वैशाली सिक्योरिटी लिमिटेड जो ये एनबीएफसी एकदम सही है अपनी जगह पे। यहाँ पे देखिए आप लोन प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं डायरेक्टली तो ले सकते हैं, इजिबिलिटी दे रखी है, वैलिड आधार पैन होना चाहिए, मंथली इनकम आपकी करीब जो है यहाँ पे दी हुई है देखिए करीब 7,000 के आसपास होनी चाहिए, कंपनी नाम क्या है, ये सब चीजें दी हुई है, मतलब कुल मिला के ये रजिस्टर्ड है क्योंकि इसका सीआईएन नंबर दिया हुआ है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है। चलिए ठीक है अब बात करते हैं कि मनी मिंगल की कोई वेबसाइट है नहीं है, भाई देखो हमको ये भी तो चेक करना होगा कि यार ये अगर ये ऐप है
तो ये रियल है कि फेक है। ऐप को ओपन भी अभी करके दिखाऊंगा, तो पहले तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट को चेक करते हैं, इसकी वेबसाइट है या नहीं है। तो भाइयों यहाँ पे मैंने गूगल पे डाला मनी मिंगल लोन ऐप, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पे कोई भी फिलहाल खास वेबसाइट नहीं मिली है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वेबसाइट नहीं मिली है तो, लेकिन मैं एकदम ये नहीं कह सकता कि ये फर्जी ऐप है। हो सकता है कि अभी नई ऐप है, अपडेट चल रहा हो, वेबसाइट पे काम चल रहा हो, ये भी कभी कभी हो जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसकी ऐप को ही इंस्टॉल कर लेते हैं, हम सीधे ऐप को इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे इंस्टॉल होने का। अब यहां से इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने को उस तरह का मनी मिंगल करके देखिए यहाँ पे ये ऐप ओपन हो रही है, इसका इंटरफेस आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ओटीपी मांगता है, चलिए मैं कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंटरफेस आ रहा है कि आप 5000 से लेकर 6500 तक का लोन ले सकते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे तरह से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पे ये व्हाट्सएप पे भी कुछ दिया हुआ है, खैर मुझे समझ नहीं, रेफर अर्न का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं आपको सीधे ये दिखाता हूँ, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके 5000 से लेकर 6500 तक का लोन मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट की बात कर ले 0.03% 0.06% पर डे का लगेगा। ये टर्न टाइम है, आपको पैन आधार और जॉब इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब जहां पे आप जॉब करते हैं अगर कुछ काम करते हैं वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो चलिए कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको अपनी एक जीमेल आईडी देनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा, अपना पोस्टल कोड स्टेट सिटी एड्रेस देना, चलिए मैं यहाँ पे ये भी पूरा जो है फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। अब मुझे यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, देखिए यहाँ पे सीधे बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है मेरे अकाउंट में पैसा जो आएगा उसके लिए लोन का। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि भैया 6000 का लोन आपको मिल जाएगा, इसको रिफ्रेश करिए, और मेरी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में है, 24 घंटे के अंदर रिव्यू किया जाएगा, अगर सबको डिटेल सही रहती है तो यहाँ पे मुझे लोन दे दिया जाएगा 6000 का दिखा रहा है, 6000 का मिल जाएगा। अब आपने यहाँ पे पूरे एक यहाँ पे जो मैंने लाइव अप्लाई कर उसमें एक चीज नोटिस करी, ना ही आधार मांगा ना ही पैन मांगा, तो उसका मतलब क्या हुआ जो मैंने वीडियो को शुरू में बोला था, नो केवाईसी पे लोन, मतलब बिना आधार बिना पैन के लोन मिल जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, आपने कहीं भी नहीं देखा, मैंने आधार भी लगाया मैंने पैन भी नहीं लगाया, क्यों बेवकूफ बन रहे हो यार मेरे, ऐसा कभी होता है क्या बिना आधार बिना पैन कोई लोन दे दे, कुछ भी नहीं है। अब ये है फर्जी ऐप कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि अभी तक इसने ना आधार मांगा ना पैन मांगा, तो सबसे बड़ी पहचान तो, अरे झूठ मूठी मांग लेता, फोटो क्लिक करवा लेता, खैर इसने नहीं मांगा। सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि इसने आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं मांगा। अब दूसरा मैं यहाँ पे देखिए ये प्ले स्टोर पे आ गया, ठीक है, प्ले स्टोर पे आने के बाद अबाउट ऐप में जाऊंगा। आप सोच रहे होगा यहाँ पे तो एनबीएफसी का नाम दिया हुआ है, ऊपर देखो तो भी वैशाली दिया हुआ है, नीचे भी वैशाली दिया हुआ है, तो ये क्या है भाई, देखो वैशाली सिक्योरिटीज लिमिटेड एक एनबीएफसी है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बस यहाँ पे उन्होंने इसका नाम लिख दिया अवार्ड में, किसी एनबीएफसी के नाम लिख देने से ये नहीं है कि वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो गई। यहाँ पे अगर हम केडबी का नाम लिख देंगे तो केडबी से रजिस्टर्ड हो जाएगी मनी मिंगल, ऐसा नहीं है ना। अगर एसबीआई बैंक लिख देंगे कि एसबीआई बैंक से रजिस्टर्ड है मनी मिंगल, तो क्या एसबीआई बैंक से रजिस्टर्ड हो जाएगी? अगर किसी बैंक का या एनबीएफसी का नाम लिख दे जो टॉप एनबीएफसी या टॉप बैंक है, तो क्या ये उस एनबीएफसी बैंक से रजिस्टर्ड हो जाएगी? कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम का यूज कर रहे हैं, आपको देखने में लगे हाँ यार नाम दिया हुआ है एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी सही है वो रियल है, लेकिन ये सिर्फ नाम यूज किया गया है, मनी मिंगल ने एनबीएफसी का नाम यूज किया है। ठीक है, तो ये एनबीएफसी में कोई खराबी नहीं है, बस इन्होंने नाम यूज किया था, देखने वालों को ये लगे कि हाँ ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। इसकी वेबसाइट मैंने दिखाई आपको नहीं मिली, पूरे गूगल पे मैंने सर्च करके दिखाया, सबसे बड़ी पहचान तो ये हो गई, और उससे बड़ी पहचान तो ये कि ना आधार मांगा ना पैन मांगा, कुछ भी नहीं मांगा भाई। और फर्जी ऐप कम से कम आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो ही क्लिक करवा लेती है नॉर्मली, नहीं सेल्फी मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, तो ये फ्रॉड ऐप है, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, यहां से आपको लोन नहीं मिलने वाला, आपके दिमाग का ये कहते हैं ब्रेन वॉश करा जा रहा, जो भी होता है वो करा जा रहा है, आपको कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तो इसको हम खत्म करते हैं भैया, यहाँ से आपकी कॉन्टेक्ट वगैरह चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, तो ये फर्जी ऐप है, अगर फर्जी तरीके से लोन लेना है वो चीज अलग होगी, लेकिन यहाँ से आपको रियल समझ के कि रियल एनबीएफसी लिए रियल लोन ऐप है, बिल्कुल भी यहाँ से अप्लाई नहीं करना है, बात खत्म हो गई है। फर्जी लोन ऐप है, अगर लूटना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं कि फर्जी लोन ऐप को कैसे लूटे, आप तरीका देख लीजिएगा, वो भी आजकल पैसा नहीं दे रही है, हाँ अगर चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, तरीका क्या है मैंने बताया, मेरा वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। बात आती है कि मैंने वीडियो को शुरू में नो केवाईसी पे लोन क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों ये फ्रॉड ऐप है, यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने पहले कभी फर्जी लोन ऐप से लोन लिया है तो आपका डेटा पहले से इनके पास होता है, जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट सब चीजें इनके पास होती है, जैसे आप किसी दूसरी फर्जी लोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल देते हैं, आपको समझ में आता है ये पैसा अकाउंट में कैसे आ गया, मैंने तो कोई भी लोन के लिए अप्लाई नहीं करा, कोई आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी डेटा इनके पास होता है इसीलिए। और वैसे भी यार जाहिर सी बात है ये फर्जी ऐप है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्या कर रही क्या नहीं कर रही, तो यहाँ पे आधार कार्ड दो ना दो कोई पता नहीं है, फिर भी लोगों को लोन मिल जाता है। तो खैर यहाँ से तो लोन नहीं लेना है, ये कोई रियल एनबीएफसी नहीं है, अगर आपको लोन लेना है तो आप टू बैलेंस से
और नावी से ले सकते हैं। ये दोनों रजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं, 50 मिलियन डाउनलोड्स है, 10 मिलियन डाउनलोड्स है। ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन दे देंगे, आरबीआई ट्रस्टेबल ऐप है। टू बैलेंस आपको 15,000-20,000 का लोन ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे, और नावी आपको 25,000 का लोन 9 महीने के लिए कम से कम दे देगी ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के। कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, जितना लोन अप्रूव हुआ है पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में आएगा। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप पूरी बात समझ गए होंगे। और भी आपके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मनी मिंगल पॉलिटिंगल कुछ भी ना है, सब ड्रामेबाजी है इनका, दिखाने के लिए कि हाँ ये बहुत बड़े आरबीआई अप्रूव्ड है, कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।